गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी के लिए जो सब्जी आपके पास अवेलेबल है वो सब चीज़ ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बटर चढ़ा दिया था, प्याज डाल दूँगी और जो भी आपके पास सब्जी हैं वो सारी सब्जियाँ डाल लेना है पाव भाजी के लिए। और कलर के लिए आपको बीट रूट ज़रूर चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में ही खाना है, कौन से हमें बाज़ार ले जाकर बेचना है। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में नमक, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सारे मसाले इकट्ठे कर लूँगी और फ्रेश जो मलाई होती है वो डाल लूँगी। फ्रेश मलाई जो रोज़ दूध आता है उसी से निकल लेते हैं फ्रेश मलाई। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी सब्जियों में डाल दूँगी। और ये ध्यान रहे कि हम भाजी जब बनाएं तो पानी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे सब्जी अच्छे से गलती है, वैसे फिर पूरा कुकर ख़राब कर देता है, पानी बाहर निकाल देता है। और हमारी सब्जियां भाजी बनने के बाद ऊपर से 2 चम्मच और बटर डालेंगे। और मेरी जो भाजी की नमक थी वो ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था कि बटर में भी नमक होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नमक कम डालना होता है जो भाजी बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पे अच्छे से हम घोट लेंगे। ये लाइट की वजह से थोड़ा सा काला काला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अब हम पाव सेकने की तैयारी हो रही है, तो पाव सेक लेंगे बटर डालकर और पाव भाजी मसाला डालकर ऊपर से नीचे से। आप यहाँ पे 4 भी सेक सकते हैं, यहाँ पे मैं एक ही सेक रही हूँ पाव। तो देखिए कैसे टेस्टी टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए लाइट की वजह से थोड़ा सा कलर ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसे बहुत टेस्टी बनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी बनी है। थैंक यू वीडियो देखने के बाय बाय। लिए।